वेलकम बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कई तरह के पत्ते दिख रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि सभी सजीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही टिकते हैं वे खाने के लिए किसी न किसी रूप में पौधों पर ही डिपेंड करते हैं तो आज हम लोग बच्चों पत्तियों के बारे में पढ़ाई करेंगे ये चैप्टर थ्री का साइंस बुक है चैप्टर वन चैप्टर का नाम है लिप्स लिप्स का अर्थ होता है पतियाँ ये पुलरल फॉर्म में है इसका सिंगुलर फॉर्म लिप होता है लिप मतलब पत्ता और लिप्स मतलब पत्तियाँ तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का और हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे लिब्स इन आवर लाइव्स पतियाँ हमारे जीवन में हमारे जीवन में पतियाँ किस तरह से उपयोगी है इसके बारे में बताया जा रहा है लिब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट पतियाँ पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स वे पौधे के लिए खाना बनाते हैं लिप्स आर called फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स पतियों को पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है जैसे कि रसोई घर हो गया उसके लिए उसी प्रकार से पतियाँ होती हैं दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रसेंस ऑफ क्लोरोफिल पतियों में क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसके कारण से वे हरे रंग के दिखाई देते हैं संभवतः हम लोग जानते हैं कि पतियाँ ज़्यादातर हरे कलर के होते हैं ऑल लिब्स हैव द फॉलोइंग पार्ट्स सभी पतियों में इस प्रकार के भाग होते हैं लिप ब्लेड इट इज़ द फ्लेट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ़ द लिप लिप ब्लेड अब ब्लेड का मतलब यहाँ पे आपको कोई धार वाला चीज़ नहीं समझना है यहाँ पे बतला रहा है ब्रॉड पार्ट पत्ते का जो चौड़ा भाग होता है चौड़ा वाला भाग ये जो फैला रहता है उसको लिप ब्लेड कहा जाता है पत्तियों का चौड़ा वाला भाग लिप ब्लेड होता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लेमिना और इसको लेमिना के नाम से भी जाना जाता है मिड्रिप मिड्रिप आप समझिए कि इस पत्ते में जो बीच वाला डंटी होता है तो वही जो होता है मिड्रिप होता है बीच का मिड मतलब बीच होता है इट इज़ अ ट्यूबुलर पार्ट इन द मिडिल ऑफ द लेमिना स्लाइटली टैपरिंग टूवर्ड्स अपेक्स ऑफ द लिफ या लेमिना के बीच ट्यूब जैसा अर्थात नली जैसा पार्ट होता है जो पत्ते के शीर्ष तक रहता है मतलब पत्ते के अंतिम भाग तक वो मिड्रिप रहता है इट इज़ कॉल्ड मिडवैन ड्यू टू ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रेंट पोषक तत्वों को परिसंचित करने के कारण इसे मिडवेन कहते हैं मिड्रिप प्रोवाइड्स स्टेबल स्ट्रेंथ टू लिप मिड्रिप पत्ते को स्थायी रूप से मजबूती प्रदान करता है मिड्रिप की वजह से पत्ते में मजबूती बनी रहती है साइड वैन वैन का मतलब होता है नस अब ये इसमें जो है पानी न्यूट्रिशन वगैरह चलते रहता है पहुँचता है इसीलिए वैन कहा जा रहा है और ये मनुष्य के जैसा वैन होता है वैसा ही इसमें भी वही काम करता है साइड वैन मतलब बगल का नस हो गया दीज आर स्मॉलर ट्यूब्स इमर्जिंग फ्रॉम मिड वैन टू स्ट्रेथेन द लिप फ्लेटेनिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिंट्स ये मिडवेन से निकलने वाले छोटे ट्यूब होते हैं जो पत्ते को मजबूती देते हैं और पोषक तत्वों का परिसंचरण करते हैं मतलब पोषक तत्वों को इधर से उधर पहुँचाते हैं स्टोमाटा दीज आर द टीनी पोर्स प्रजेंट इन बैक साइड ऑफ द लीफ टीनी पोर्स या पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्ते के पीछे साइड में प्रजेंट रहते हैं मतलब पीछे साइड में बने रहते हैं वाटर कम्स आउट थ्रू दिज पोर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जल पानी जो होता है इससे निकलता है स्टोमाटा से पानी निकलता है भाप के रूप में बनकर निकल जाता है वो हमें दिखाई नहीं देंगे लेकिन निकलता है इसके आगे देखते हैं पेटियोल और स्टॉक द लीफ इज अटैच टू द स्टेम विथ इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टॉक और पेटियोल पतियाँ जिस रचना के द्वारा स्टेम से मतलब तनाव से जुड़ी रहती है उसको स्टॉक या पिट्योल कहते हैं काइंड ऑफ़ लीब्स पत्तियों के प्रकार अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं इफ़ यू मूव इन योर स्कूल गार्डन अगर आप अपने स्कूल के बगीचे में घूमते हैं वहाँ जाते हैं यू विल ऑब्ज़र्व प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स तो आप पाओगे कि वहाँ पे जो पौधे हैं उनके पत्तियाँ अलग अलग, अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग प्रकार के हैं द डिफ्रेंस मे बी इन साइज उनके आकार में भिन्नता हो सकता है उनके सेप में भिन्नता हो सकता है सरफेस पतियाँ जो उसका सतह होता है उसका सतह उस पर डिफ्रेंस हो सकता है और एंड इवेन इन कलर और इसके अलावा उसके कलर में उसके रंग में भिन्नता हो सकता है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अलग अलग पत्ते हैं ये बनाना है ये पाम है और ये कैस्टर लीफ सेप सेप के बारे में यहाँ बतला रहा है द सेप्स ऑफ लीव्स डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट पतियों के आकार जो होते हैं सभी पौधे के एक एक पौधे के अलग अलग होते हैं कोई किसी से मिलता नहीं है दे मे भी लॉन्ग ब्रॉड राउंड ट्रिंगुलर और निल लाइक लेमिना उनकी पतियाँ लंबी हो सकती है चौड़ी हो सकती है और किसी किसी का गोल किसी किसी का ट्रिंगुलर तिनकोना इस तरह का हो सकता है और किसी किसी का नुकीला पतियाँ हो सकती है नुकीली पतियाँ हो सकती है देर एज मे बी स्मूथ उसका एज उसका किनारा स्मूथ हो सकता है चिकना हो सकता है शार्प और रफ़ या तो तेज हो सकता है ऐसा लगेगा जैसे हाथ कट जाए उस प्रकार से महसूस होगा और नहीं तो रफ रफ हो गया आपका खुरदुरा महसूस होगा इस तरह का नंबर ऑफ़ लीव्स इन प्लांट मे बी मोर और लेस पेड़ों में पत्तियों की संख्या किसी में ज़्यादा हो सकता है और किसी में कम हो सकता है नीम हैज़ मोर नंबर ऑफ़ लीव्स देन पाम पाम का ट्री जो ताड़ का ट्री होता है उसे पाम का ट्री बोला जाता है तो नीम के पत्तियों में ताड़ का ट्री से ज़्यादा पतियाँ होती है तो क्योंकि नीम का पत्तियाँ जो होती हैं हो, बहुत छोटी छोटी होती हैं और पाम का जो पत्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है कलर ऑफ लीव्स इज जनरली ग्रीन सामान्य रूप से सभी पौधों के पत्ते हरे कलर के होते हैं बट इन सम प्लांट्स कलरफुल लीव्स आर फाउंड लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कलरफुल पत्तियाँ पाई जाती है रंगीन पत्तियाँ पाई जाती हैं क्रोटोन मेपल एंड मनी प्लांट्स लिव आर कलरफुल ये जो नाम दिए हुए हैं क्रोटोन मेपल या मनी प्लांट ये सभी पौधे जिनकी पत्तियाँ कलरफुल होती हैं दे आर यूज फॉर डेकोरेशन इनको सजावट के काम में लाया जाता है सम लिप्स हैव ये यूनिक स्मेल एंड टेस्ट कुछ पत्तियों में अनोखे स्मेल मतलब अद्भुत सुगंध होता है और उसका टेस्ट भी कुछ अद्भुत होता है दे आर यूज इन फूड एंड मेडिसिन टू मैक गुड फ्लेवर उसको भोजन में उपयोग किया जाता है या फिर मेडिसिन में यूज किया जाता है उसके स्वाद को बदलने के लिए या उसमें स्वाद लाने के लिए फ्लेवर इज द सम ऑफ स्मेल एंड टेस्ट स्मेल और टेस्ट को मिला के जो चीज़ बनता है उसे फ्लेवर कहते हैं लिप्स आर यूजफुल पत्तियाँ बहुत ही लाभदायक होती हैं पतियाँ हमारे कई काम आते हैं तो इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है लिप्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस एज फूड एंड मेडिसियन पत्तियाँ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है भोजन के रूप में और मेडिसिन दवा के रूप में पत्तियों से दवा भी बनता है फूड फूड के बारे में यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार से हम लोग फूड में इसको यूज करते हैं इट कॉन्टेंस एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड कॉल्ड रफेज इसमें एक बहुत ही आवश्यक तत्व रहता है जिसे हम लोग रफेज कहते हैं और इसके वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं इट एड्स गुड फ्लेवर इन आवर फूड अगर हम पत्तियों को अपने भोजन में डालते हैं तो यह एक अलग स्वाद बना देता है लिप्स आर इटेन बाय हरवी एनिमल्स पतियाँ शाकाहारी जानवर द्वारा उपयोग किया जाता है शाकाहारी जानवर उसको खाते हैं लिप्स ऑफ स्पिनिच कैबेज आर यूज एज रफेज पालक के पत्ते या बंदा गोभी जो होता है उसको हम लोग खाते हैं और उसको रफेज के रूप में यूज़ करते हैं उससे हमें रफेज प्राप्त होता है मिंट कोरिएंडर लेमन ग्रास एंड करी लिप्स आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल फूड आइटम पुदीना धनिया पत्ता लेमन ग्रास और कड़ी पत्ता इसको हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग कोई स्पेशल डिस स्पेशल भोजन जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग उसको मिलाते हैं मेडिसिन पत्तियाँ मेडिसिन के रूप में काम आती है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज एज मेडिसिन कुछ पौधों के पतियों को हम लोग दवा के रूप में उपयोग करते हैं नीम तुलसी मिंट ड्रमस्टिक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीव्स दैट हैव मेडिसिन वैल्यू ये सभी पत्तियाँ जो है नीम तुलसी पुदीना या ड्रमस्टिक जो होता है एक हम लोग इसको गाँव में मुनगा का पेड़ कहा जाता है तो इसके पतियों को भी यूज़ किया जाता है और ये सभी मेडिसिन के रूप में मेडिसिन वैल्यू इसको दिया जाता है मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है डाइज एंड कलर्स आर आल्सो प्रिपेयर फ्रॉम लिप्स ऑफ सम प्लांट लाइक हेना, डाइज कलर्स ये सब भी पौधों के पत्तों से ही तैयार किया जाता है जैसे कि हिना का पौधा हो गया उससे कलर बनाया जाता है बॉल्स एंड प्लेट्स आर मेड फ्रॉम ढाक प्लांट लिप्स विच इज़ यूज इन विलेज पार्टी भोज बॉल कटोरी हो गया और प्लेट हो गया इसे ढाक के पौधे के पत्ते से बनाया जाता है ढाक का पेड़ होता है और इसको अब प्लास का पेड़ कह सकते हैं झारखंड में बहुत सारा मिलता है इसे ढाक कहा जाता है हिंदी में इसके पतियों से बॉल और प्लेट बनाया जाता है जो कि गाँव में जो भोज होता है या पार्टी होती है तो उसमें लोग उसको उपयोग करते हैं द लार्ज लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कोकोनट पाम ई टी सी आर यूज इन मेकिंग हाउस कुछ पौधों के पतियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है जैसे कि नारियल का हो गया पाम ये ताड़ का हो गया इसके अलावा और भी पौधे हैं इन पत्तियों को घर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है घर का छप्पर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दिस टाइप ऑफ हाउस इज़ कॉल्ड कच्चा हाउस और हट हट्स झोपड़ी जिसको झोपड़ी कहा जाता है इस तरह के घर को कच्चा हाउस कच्चा घर कहा जाता है या झोपड़ी कहा जाता है लिब्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक पेपर और कुछ पौधों के पतियों से पेपर मतलब कागज़ बनाया जाता है प्लांट्स सेड देयर लिब्स पौधे अपने पतियों को गिरा देते हैं या उनकी पतियाँ गिर जाती है जब उनकी पत्तियाँ गिरती हैं तो उसे पतझड़ का मौसम कहा जाता है सेडिंग ऑफ लिब्स इज़ ए मोड ऑफ़ एक्सक्रिएसन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट पौधे अपने पतियों को गिरा देते हैं या इस तरह से वो अपने पतियों को त्याग देते हैं क्रिएसन मतलब त्याग देना क्योंकि वो अब वो उसके लिए व्यस्त हो जाते हैं वो एक गंदगी के रूप में हो जाते हैं सम प्लांट्स सेट देयर लीव्स वंस इन ईयर कुछ पौधे अपने पतियों को साल में एक बार गिराते हैं वाइल्ड सम अदर्स ट्वाइस इन ए ईयर और कुछ पौधे साल में दो बार अपने पतियों को गिराते हैं प्लांट्स डाइट सेट देयर लिव्स इन ए ईयर आर कॉल्ड डिशिडियस जो पौधे अपने पतियों को साल में एक बार गिराते हैं उसको डिसिडियस कहा जाता है डिसिडियस पौधे का अर्थ होता है पर्णपाती हिंदी में इसको पर्णपाती बोला जाता है डिसिडियस प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन एरिया पर्णपाती पौधे प्लेन एरिया में मैदानी भाग में पाया जाता है सम प्लांट्स विच डू नॉट सेट देयर लिब्स फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड एवरग्रीन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पतियों को लंबे समय तक नहीं गिराते हैं वैसे पौधे को इवरग्रीन चिरहरित पौधे कहा जाता है इवरग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन चिरहरित पौधे आद्र जलवायु वाले भाग में पाए जाते हैं ह्यूमिड ह्यूमिड का अर्थ है आर्द्र क्लाइमेट जलवायु वाले भाग में पाए जाते हैं प्लांट्स गिव अस फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ड्राई लीव्स पौधे हमें ईंधन देते हैं अपनी सूखी हुई लकड़ियों के रूप में उनकी लकड़ियों को हम जलाते हैं और उससे हमें ईंधन प्राप्त होता है प्लांट सेड लीव्स आर यूज बाय मैन इन टू वेज फ्यूल एंड कंपोस्ट पौधों के गिरे हुए पतियों को मनुष्य दो तरह से उपयोग करता है एक हो गया फ्यूल और दूसरा कंपोस्ट फ्यूल का मतलब हो गया ईंधन और खाद के रूप में हम लोग उसका उपयोग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल वी गेट एनर्जी फ्यूल के रूप में हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोस्ट वी गेट न्यूट्रिट फॉर क्रॉप्स इन द फील्ड और खाद के रूप में हम लोग उसको उपयोग करते हैं उसको हम लोग अपने फील्ड खेत में डालते हैं जिससे कि हमारे फसल को पोषक तत्व प्रदान होता है कंपोस्ट इज़ ये मेन्योर विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेड एंड ड्राई लिब्स ऑफ प्लांट्स कंपोस्ट इज़ ये मेन्योर मेन्योर वह खाद होता है जो पत्तों के सड़ने गलने से बनता है कूड़ा वाला खाद इसको बोला जाता है तो पौधों से गिरे हुए या सूखे हुए पत्ते जिससे मेन्यर बनता है कंपोस्ट कैन बी मेड वेरी इजिली एट होम खाद को हम लोग घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं डिग ए पिट इन योर गार्डन अपने गार्डन में एक गड्ढा खोद लीजिए कलेक्ट ऑल ड्राई फॉलन लीव्स एंड पुट देम इन टू द पिट और सूखे हुए पत्ते को गिरे हुए पत्ते को आप जमा कर लीजिए और सबको उस गड्ढे में डाल दीजिए वैन पिट इज़ फुल कवर इट जब वो गड्ढा भर जाए पत्तियों से तो उसको कवर कर दीजिए ढक दीजिए विथ ए लेयर ऑफ मड मिट्टी के लेयर से मिट्टी से उसको ढक दीजिए एंड स्प्रिंकल सम वाटर एंड लीव इट फॉर फ्यू डेज और उसमें पानी का छिड़काव कर दीजिए कुछ पानी उसमें छिड़क दीजिए और कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ दीजिए आफ्टर थ्री टू फोर मंथ्स ए डार्क ब्राउन मटेरियल इज रेडी तीन चार महीने के बाद एक काले और भूरे रंग का मटेरियल वहाँ पे तैयार हो जाएगा दिस इज मटेरियल इज कम्पोस्ट यह वही पदार्थ है जिसको हम लोग खाद कहते हैं फॉलन एंड ड्राई लिव्स आर ऑफ कलेक्टेड इन हिप्स एंड बंट गिरे हुए सूखे पतियों को अक्सर लोग उसको जमा कर लेते हैं उसका ढेर लगा के उसको जला देते हैं दिस इज नॉट ए करेक्ट प्रैक्टिस एज इट काउजेज एयर पोल्यूशन यह एक अच्छा कार्य नहीं है इसके वजह से हवा प्रदूषित होती है द करेक्ट प्रैक्टिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कम्पोस्ट अच्छा कार्य सही काम यह है कि उन पतियों से हम लोग खाद बना दें कम्पोस्ट बना दें वी हैव स्टडी अबाउट प्लांट एंड देयर यूजेज एज वेल एज फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लिप्स हम लोगों ने पौधे और उसके उपयोगों के साथ साथ उनकी विशेषताओं और पतियों के कार्य के बारे में अध्ययन किया लिप्स आर ग्रेट मोटिवेटर्स पतियाँ बहुत बड़े प्रेरक होते हैं दे इंस्पायर द्यूमेन इन देयर लाइफ वे अपने जीवन से मनुष्यों को इंस्पायर करते हैं प्रेरित करते हैं लिप्स गिव अस मैसेज हाउ ए पर्सन कैन लिव हैपली पतियाँ हमें संदेश देते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार सुखी जीवन जी सकता है खुशहाल जीवन जी सकता है टुडे वी सी डिजाइन ऑफ लिव्स ऑन क्लॉथ्स हम लोग आजकल देखते हैं कि पतियों के डिजाइन उनकी आकृति कपड़ों में बने होते हैं वॉल्स ऑफ हाउस घरों की दीवारों में बने होते हैं पेंटिंग इटीसी और पेंटिंग किया जाता है जो पतियाँ बनाई जाती है यू डेकोरेट योर हाउस फ्रॉम बेलून्स कलर पेपर लाइट ई टी सी ऑन समजन जब आप लोगों के यहाँ कोई त्यौहार या कोई शुभ अवसर होता है तो आप लोग अपने घरों को गुब्बारे कलर पेपर या लाइट से सजाते हैं इसके अलावा और भी कई चीज़ों से सजाते हैं बट इन एंशियन टाइम एंड इवन टूडे सम लिप्स आर यूज ड्यूरिंग रिलीजियस सेरोमनी मैरिज और इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ होम एज फॉर एग्जाम्पल लिप्स ऑफ मैंगो तुलसी बनाना कोकोनट मनी प्लांट बगनपेलिया ई टी लेकिन प्राचीन समय में या फिर कोई ऐसा ओकेजन रिलीजियस ओकेजन धार्मिक समय में या फिर कोई शादी विवाह के समय में घर का डेकोरेशन कुछ पतियों के द्वारा किया जाता है उदाहरण के रूप में आम का पत्ता हो गया तुलसी का पत्ता केला का पत्ता और नारियल का मनी प्लांट का बैगन बेलिया और इस तरह के कई सारे पत्ते ऐसे शुभ अवसर में यूज़ किए जाते हैं तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाती है और आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है ये है इस चैप्टर का क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन आंसर द फॉलोइंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और टू नंबर में ट्रू फॉल्स लगाने के लिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर थ्री में फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है इसको मैच करना है तो आइए मैं आप लोगों को इसके आंसर्स बना के दिखाता हूँ यह रहा चैप्टर वन का क्वेश्चन आंसर आंसर द फॉलोइंग वाई लिप्स आर ग्रीन इन कलर लिप्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू परसेंस ऑफ क्लोरोफिल नेम टू प्लांट्स विच यू कैन आइडेंटिफाई विथ योर सेंस ऑफ स्मेल mint and coriander can identify with our sense of smell why are leaves called food factory of plants leaves prepare food for plants so these are called food factory of plants what are parts of a leaf leaf has the following parts leaf blade midrib side veins stomata and petiole how do leaves inspire us leaves inspire us from their life they give us message how a person can live happily क्वेश्चन नंबर टू में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगा दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दिया गया है आप इसको देखकर अपने बुक में ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं और क्वेश्चन नंबर थ्री में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो इसमें भी उसका आंसर दे दिया गया है आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में मैच द फॉलोइंग मैच करने के लिए दिया गया है और इसका आंसर यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है जैसे कि ए का जैसे ए का थ्री हो गया इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है आप इसको देख अपने बुक में सही मैच कर सकते हैं और यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी पढ़ाई में मदद मिलता है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं